हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बड़ी खबर आ रही है सभी कर्मचारियों और सभी पेंशनर्स के लिए भी। DOPT मिनिस्टर का बहुत बड़ा फैसला आया है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को, जिसकी डिमांड का इंतजार सभी कर्मचारियों को था वो पूरी करने का सरकार ने उसको पूरा किया है। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है सभी कर्मचारियों के लिए। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पे पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप सामने देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, उस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे के निशान को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक, सभी टाइप के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हम न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी तरीके से लाते रहते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं उस न्यूज़ पर। खबर आ रही है दैनिक जागरण से, जहां आप देख सकते हैं आप अगर इस साल रिटायर हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही राहत की खबर है। COVID-19 महामारी के कारण अगर आपकी पेंशन नहीं बन पाती है तो आपको प्रोविजन पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्री मिस्टर जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि रिटायरमेंट डेट से एक साल के लिए इस पेंशन का इंतजाम किया गया है। उनके मुताबिक महामारी के दौरान कर्मचारियों को नियमित पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी PPO जारी होने और पेपर वर्क पूरा होने तक प्रोविजनल पेंशन यानी कि प्रोविजनल पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दी जाएगी। यह व्यवस्था फैमिली पेंशन पाने वालों के साथ में भी होगी। आगे आप देख सकते हैं एक साल के लिए बड़ी सुविधा, यह सुविधा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जिसे बीते साल शुरू किया गया था। मोदी सरकार ने इस सर्विस को एक साल के लिए बढ़ाया है। 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन के तहत इस टाइम पे सैलरी और पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही है। आगे आप देख सकते हैं पेंशन फॉर्म जमा करने में दिक्कत, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महामारी के कारण सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में पेंशन फॉर्म जमा करने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सर्विस बुक के साथ क्लेम फॉर्म पे एंड अकाउंट दफ्तर में जमा कर पाने की स्थिति में ना हो, खासकर दोनों दफ्तर अगर अलग अलग शहरों में हो तो यह दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे देख सकते हैं केंद्रीय कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री मिस्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए बहुत ही जरूरी है जो एक शहर से दूसरे शहर तैनात होते हैं। इनके हेड ऑफिस, सैलरी और अकाउंट दफ्तर दूसरे शहरों में होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं पहले से है प्रोविजनल पेंशन का प्रावधान। AG ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष मिस्टर हरिशंकर तिवारी ने बताया कि प्रोविजनल पेंशन पहले भी मिलती रही है। किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने पर उसे प्रोविजनल पेंशन दी जाती है। यह पेंशन उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी पर बनती है। वास्तविक पेंशन और प्रोविजनल पेंशन की रकम में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जारी रही पेंशन। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि COVID-19 के दौरान रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट आदेश यानी PPO जारी होने और दूसरा पेपर वर्क होने तक अस्थायी पेंशन की रकम मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस कोविड पेंडेमिक में जो कर्मचारी से पेंशनर्स बने हैं यानी जिनका रिटायरमेंट हुआ है, उनके लिए बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए बहुत ही राहत की खबर है कि उनको अब प्रोविजनल पेंशन सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी, जब तक कि उनकी जो है परमानेंट पेंशन उनकी नहीं बन जाती है। क्योंकि उनके जो है पे एंड अकाउंट ऑफिस या PAO और इसके अलावा हेड ऑफिस अलग अलग सिटीज़ में होते हैं। स्पेशली जो फोर्सेस में जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है एक सिटी से दूसरी सिटी जाना, इस टाइम पर ट्रेवलिंग करना। तो सरकार ने उसका राहत देते हुए कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए और फैमिली पेंशनर्स के लिए सेम वही रखा हुआ है। इसके अलावा तो बहुत सारे जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए भी यही सुविधा है कि उनको भी जो है प्रोविजनल पेंशन दी जाएगी, चाहे वो फैमिली पेंशन से हो या पेंशनर हो, कोई भी हो, सभी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को इस टाइप से जो रिटायरमेंट हुए हैं इस टाइम पे उनको एक साल के अंदर उनकी प्रोविजनल पेंशन उनको प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि उनको किसी भी टाइप से कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था सभी कर्मचारियों के लिए, सभी पेंशनर्स के लिए, सभी फैमिली पेंशनर्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, इसको शेयर जरूर सभी के साथ करिएगा। ऐसे न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।